ऑटोमेटिक हो जाए। इसके अंदर क्या करना है आपको, बेसन डालना है, पानी डालना है, अपने आप ये मोटर चालू करना है, आप चालू हो जाएगा मशीन। कहने मतलब है इसके साथ जो मार्केट के अंदर डाई चलती है, जो भी डीआई नमकीन चलता है, उसका डाई हम सब सारा प्रोवाइड करते हैं आपको। तो ऑयल निकालने के लिए मशीन आती है आपकी, जैसे आप जयपुर ब्लॉक से आते हैं उनको बहुत बढ़िया डिस्काउंट दिया जाएगा, जो आप वो सोच नहीं सकते उससे बढ़िया डिस्काउंट दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो हम आए एक नई वीडियो के साथ जहाँ पे आप जानेंगे चटपटी, वो भी नमकीन। उसके बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे नमकीन बनती है, जो हर किसी के घर में पसंद होती है और जो हमें भी बहुत लाजवाब लगती है, जो हम चाय के संग, कॉफ़ी के संग, किसी भी चीज़ में मिक्स करके खाते हैं। अब वो बनती कैसे है, हमारे लिए ये जानना बड़ा मज़ेदार होगा आज की वीडियो में, कि कैसे कैसे वो मशीन के जरिए वो तैयार होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो कौन सी मशीनें होती है जिससे वो 5 रुपए का पैकेट जो नमकीन का हम खाते हैं, इतना यम्मी लगता है, टेस्टी लगता है, वो रेडी कैसे होता है। तो आज उन मशीनों के बारे में हम जानकारी लेंगे और साथ ही साथ हम इनको कैसे कैसे तैयार करेंगे, इस सभी प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। तो आइए बात करते हैं सर, नमकीन कैसे तैयार की जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी पहली मशीन, इसमें आपका सारा, इसे मल मशीन बोला जाता है, इसके अंदर सारा जो मसाला होता है उसका पेस्ट बनाया जाता है, जो नमकीन का पहला प्रोसेस होता है। साथ ही साथ दूसरी मशीन आती है हमारी, जिसमें उसको डिज़ाइनिंग दी जाती है। आप सभी ने देखा है कि नमकीन की शेप कैसी होती है, क्रिस्पी भी होती है, जिगजैग भी होती है, स्मूथ भी होती है, तो हर तरीके की नमकीन होती है। तो वो नमकीन बनती कैसे है, तो ये जो हमारी मशीन देख रहे हैं आप, सेकेंड मशीन, इस प्रोसेस से हमारी नमकीन तैयार होती है। अब वो नमकीन हमारी बनने के बाद वो कैसे करती है, फ्रायर, चिप्स खाते हैं वो भी फ्राई होते, तो ऐसे ही हमारी नमकीन होती है। तो नमकीन के लिए आपके फ्रायर के लिए ऑप्शंस है, आप हमसे फ्रायर परचेज भी कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल कढ़ाई में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, तो वो हमारी ऑप्शनल होती है। थर्ड फोर्थ प्रोसेस आता है हमारा, उसका एक्स्ट्रा ऑयल। अब नमकीन है तो उसमें ऑयल भी आएगा, हमने छाना है, तो अब वो तेल कैसे सारा होगा, अब हम नॉर्मली तो उसको कढ़ाई से निकाल के रखेंगे, तेल तो निकलेगा नहीं, तो उसके लिए आती है हमारी फोर्थ मशीन। इसमें क्या होता है, जो भी आपका एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो सारा का सारा आपका आसानी से, जैसे कि आप अंदर देख रहे हैं, ये इसके अंदर छन्नी है, ये सारा आपका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देती है इजीली तरीके से, जो आपको पता भी नहीं चलता कि हमारा फोर्थ प्रोसेस भी हो गया है। साथ ही साथ फिफ्थ मशीन आती है हमारी, उसे बोलते हैं हाइड्रो, तो वो हमारा लास्ट प्रोसेस होता है। तो ये थी हमारी मशीनें, जिसको आप कैसे आसानी से, वो अब स्टार्टअप होगा हमारा नमकीन बनाने का, तो उसकी जानकारी देंगे सुनील सर। तो मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी कि अब वो नमकीन बनेगा कैसे, तो वो आपको जानकारी देंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैडम ने आपको बहुत सारी जानकारी दी, अब इससे आगे जानकारी जो हम दे रहे हैं आपको कैसे बनाते हैं नमकीन, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबर लगता है हमारा मल्ली मशीन। मल्ली मशीन क्या काम करता है, मल्ली मशीन आपका जो बेसन होता है उसको मिक्स करने का काम करता है बढ़िया से, क्योंकि उसमें मरम ज़्यादा बढ़िया से सामना पड़ता है, इसीलिए लगता है आपका सबसे पहले मल्ली मशीन। ये ऑटोमेटिक होता है ये, या इसको हाथ से चलाना पड़ता है? नहीं नहीं, ये ऑटोमेटिक होता है। इसके अंदर क्या करना है आपको, बेसन डालना है, पानी डालना है, अपने आप ये मोटर चालू करना है, आप चालू हो जाएगा मशीन। ओके, ये पूरा मतलब ये पूरी मशीन है ये? हाँ, अगर मैं देख पूरी ऐसा स्पोर्ट होती है। इसके अंदर मोटर लगी होती है? हाँ जी, इसके अंदर मोटर होती है 1 HP की। 1 HP की, तो ये बिजली का खर्चा तो ज्यादा नहीं आता ना? नहीं नहीं सर, नॉर्मल घर के मीटर पे भी चला सकते हैं। अरे इसके बाद लगता है हमारा क्या है, डिजाइन, हमें कौन सा डिजाइन छानना है। इसके साथ मशीन के साथ देते हैं हम 10 डाई। 10 डाई फ्री देते हैं आप? जैसे ये देखिए, ये मोटी सेव वाली होगी, ये उससे मोटी बुनिया उन्हें लोग छानते हैं, ज्यादा देहात में चलता है गुड़ वाला बुनिया। ये जैसे छोटे छोटे नमक पारा आते हैं नमकीन में, क्या होता है मिक्स होता है, हल्दीराम हो गया, कोई और ब्रांड हो गया, उसके अंदर मिक्स होकर आता है ये। जी जी जी, लंबी लंबी से गोल गोल से टाइप में होता है। इसके बाद आता है आलू का भुजवा, जैसे ये देखिए पतली सेब है जी, नमकीन बनाने का। और ये उससे बारीक सेब बनाने का। ओके जी, अब तो ये सारी डाई वगैरह जो आप इसके साथ ही देते हैं फ्री में, वो भी मतलब फ्री देते हैं आप? जैसे देखिए भुजिया, आलू का भुजिया सबसे ज़्यादा बिकता है हल्दीराम का, इसी डिजाइन में। जी जी जी, कहने मतलब है इसके साथ जो मार्केट के अंदर डाई चलती है, जो भी डिजाइन नमकीन चलता है, उसका डाई हम सब सारा प्रोवाइड करते हैं आपको। ये मशीन आपका डिजाइन निकालने का है, इसके अंदर क्या होता है, बेसन हम डालते हैं यहाँ पे, डिजाइन निकलता है आपका। अच्छा, इसके नीचे डाई लगती है ये जो? हाँ जी, हाँ। ये जो मैं देख पा रहा हूँ ये पूरा, हाँ ये खुल के इसके अंदर जाली फिट हो जाएगा, इसके जाली फिट हो जाती है। इसके अंदर सेवई भी बनाना है, सेवई का भी सिस्टम बन जाएगा आपको, सेवई भी बन जाती है। हाँ, तो इसके अंदर अगर हम चाहें तो कुरकुरे वगैरह भी बना सकते हैं या, और चिप्स वगैरह? नहीं, कुरकुरे का प्लांट अलग होता है,
चिप्स का प्लांट वो भी होगा, अभी वो भी बताएंगे कैसे बनेगा आपको। ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, ये मशीन, ये तो आपका डीएनए बना दिया, अब इसके बाद अंदर क्या हम फ्राई कैसे करेंगे? तो बहुत से क्या लोग कढ़ाई में फ्राई करते हैं इसको, छोटा सा कढ़ाई ले लिया उसमें फ्राई कर लिया, नहीं तो अलग से अगर बड़ा फ्राई कर फ्रायर चाहिए आपको तो बड़ी फ्रायर हम बना के प्रोवाइड कर देते हैं, वो खुद ही बनाते हैं, हमारे खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अच्छा, वो भी आपको फ्रायर भी आप अवेलेबल हाँ, करा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा जमकीन फ्राई होने के बाद क्या होता है, इसके अंदर ऑयल होता है, तो ऑयल निकालने के लिए मशीन आती है आपकी। जी जी जी, हाँ ये मैम ने भी अभी दिखाई थी मशीन। ये सेम, अच्छा ये यहाँ से ऑयल बाहर आ जाता है, ये यहाँ से ऑयल आपका बाहर आ जाएगा। और ये जो पुश करने के लिए रखा हुआ, ये क्या गियर होता है, गियर के लिए होता है कि आपका ज्यादा छन जाए तेल। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए होता है। ठीक है जी। तो इसके बाद आपका बनता है, आता है फ्राई, उसके बाद आता है पैन कोटिंग, मसाला कोटिंग। अच्छा जी। मसाला का जो मिक्स करने वाला जो है फ्लेवर, बहुत लोग फ्लेवर मिलाते, बहुत लोग क्या हल्दी हल्दी मिलाते, बहुत लोग क्या कुछ बहुत सारे आइटम मिक्स करके बनाते जी। तो उसके बाद आता है आपका वो पैन कोटिंग, मसाला कोटिंग। इसके बाद आता है आपका पैकिंग का चालू होता है। पैकिंग क्या, बहुत से लोग क्या करते हैं, 1 किलो की पैकिंग करते हैं, 2 किलो की पैकिंग करते हैं, बहुत से लोग क्या 5 रुपये 10 रुपये की पैकिंग। तो उसके लिए आपको ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन की जरूरत होती है, जो इस टाइप की मशीन आती है। अच्छा, ये मशीन होती है। हाँ, ये वाली मशीन जो मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, ये सारे देती है, क्योंकि इसके अंदर क्या ऑटोमेटिक मशीन लगती है, इसके अंदर क्या हॉपर में माल भरना होता है, अपने आप ये माल प्रोसेस भरता रहता है। अच्छा, जैसे ये हॉपर ऊपर हाँ, लगा हुआ है, इसके अंदर माल भरेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से फिर हाँ, फाइनल पैकिंग होके आती रहेगी। ठीक है। नमकीन पैक करने में क्या लगता है, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नमकीन जल्दी खराब ना हो इसलिए हम डालते हैं नाइट्रोजन गैस और एयर, इसलिए आपका जो पैकेट बनता है बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनता है, A1 बनता है। और इसके बाद बहुत से 1 किलो 2 किलो की जो आपको पैकिंग करनी है उसके लिए तो आएगा बैंड चिलर। बैंड चिलर क्या होता है, ये थोड़ा सा बताइए आप हमारे। ये मशीन ऐसी होती है कि ये आप छोटा काम कह सकते, छोटा पाउच बड़ा धमाका, इसके अंदर आप कुछ भी पैक कर सकते हैं 5 kg तक। अच्छा, मतलब ये छोटी सी मशीन है, पैकिंग मशीन कहते हैं इसको। हाँ, इसके अंदर 5 kg तक कुछ भी पैक कर सकते हैं आप। ओके। मसाला हो गया, यदि सिर्फ नमकीन नमकीन पैक करना, चावल भी पैक कर सकते हैं आप, इसके बाद इसमें आटा भी पैक कर सकते हैं। आजकल मार्केट में क्या पाउच में पन्नी में चल रहा आटा, तो भी पैक कर सकते हैं, नमकीन भी पैक कर, कुछ भी पैक कर सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है। और इसके बाद अगर आप कुरकुरे का प्लांट लगाते हैं तो भी हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप चिप्स का प्लांट लगाते हैं तो भी हमारे पास है, इसके अलावा अगर आपको कुछ खेती बाड़ी का सामान चाहिए तो भी मशीनें हमारे पास अवेलेबल है, जैसे मछली चारा हो गया, वो भी मशीनें हमारे पास मिलती। यानी कहने मतलब बहुत सारी कम मशीनें हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। गोलगप्पा वगैरह की मशीन भी आपके पास होती है? बिल्कुल है सर, मैं दिखाऊंगा, गोलगप्पे की भी है हमारे पास, पानीपुरी की भी है, जैसे गोलगप्पे की मशीन है। अच्छा। इसके अंदर ये नहीं सिर्फ गोलगप्पा गोलगप्पा बना सकते हैं, नमक पारा हो गया और आपका पापड़ हो गया, पापड़ भी जानते हैं, छोटे पापड़ जो होते हैं, छोटे पापड़ नहीं बड़े पापड़ भी बनेंगे इसके अंदर। अच्छा, वो डाई चेंज, डाई चेंज होगी आपकी। अच्छा जी। नमक पारा की भी डाई चेंज अलग होगी, अगर आपको रोटी बनाना है तो उसकी भी डाई अलग से चेंज। ये ऑटोमेटिक मशीन रन करती है सर या इसके लिए मैनुअल है कुछ? नहीं ऑटोमेटिक, इसके अंदर क्या यहाँ पे डालते हैं हम, आटा डालेंगे यहाँ पे गोंद के, इसके अंदर यहाँ से निकल देगा आपका, ये यहाँ से लेफ्ट निकलेगी आपकी, और ये हीट होते हुए रोटी आगे आती रहेगी। हीट नहीं होती सर, ये एक्चुअली कटिंग कटिंग का होता है। अच्छा, ये कटिंग का होता है, मतलब कटिंग कटिंग ये सब आप रोटी भी इसके अंदर हीटिंग के अंदर, ये ऐसा सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ कटिंग कटिंग की मशीन होती है आपको। अच्छा, ये सारी डाई वगैरह और जो रॉ मटेरियल वगैरह होता है ये भी सारा कुछ इसके अंदर, इजिली रॉ मटेरियल हर जगह गाँव मिल जाता है, जैसे बेसन लगता है, हर चीज मिल जाता है आपको आउट एरिया में, रॉ मटेरियल की आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको एक चीज फंसता है, क्या फंसता है, फ्लेवर, फ्लेवर हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, जैसा भी फ्लेवर चाहिए आपको, जैसा भी टेस्टी फ्लेवर चाहिए वो हमारे पास मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। तो कुछ और आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कुछ? देखिए, हमारे पास किचन के आइटम बहुत सारे आइटम बनाते हैं, नाम तो गिनाएंगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम पूरा ना बता के शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप फोन करेंगे हमारे कंपनी तो आप कंपनी मैडम सारे आपको जानकारी देंगे, आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा, सारी जानकारी भी दिया जाएगा, कैसे क्या बनेगा, कैसे नहीं क्या बनेगा, वो सारी चीज़ें आपको फोन पे बताया जाएगा। जी सर, आप कहाँ से आए हैं और इस कंपनी के बारे में आपको कैसे पता लगा और आप यहाँ पर क्या कौन सी मशीन खरीदने आए हैं? सर, यूपी से हैं। यूपी से हैं? यूपी में कौन सी जगह से? इटावा से हैं। इटावा से हैं जी। तो आप दोनों ही आए हैं या और भी कोई जने आए हैं आपके साथ? हमारे माता पिता भी हैं। अच्छा, माता जी पिताजी भी आए हैं साथ में। ठीक है, तो आप अपना नया व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं अब? जी। तो किस चीज की मशीन लेने आए हैं आप? डोना पत्तल वाली मशीन लेने आए हैं। अच्छा, डोना पत्तल वाली मशीन। तो आपको इनके बारे में किस तरीके से पता लगा? जी, हमने यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे देखा था। तो आपको इनका व्यवहार वगैरह किस तरीके का लगा, मतलब आप लोग यहाँ पर आए तो कैसे आपको वेलकम किया गया, आपके लिए मतलब मशीन वगैरह के प्राइजेज जो आपको वीडियो में बताए गए वही प्राइजेस थे या ज्यादा लिया गया या कम लिया गया आपसे?
नहीं सही लिया गया है, कम ही लिया गया है खैर। अच्छा मतलब एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया, मतलब क्योंकि कई लोगों का ये होता है ना कि वीडियो में कुछ और बताते हैं और वहाँ जाने के बाद कुछ और प्राइस हो जाते हैं। जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो रॉ मटेरियल जो इसके साथ यूज होता है वो भी आपको यही दे रहे हैं? जी यही दे रहे हैं, कुछ अलग से भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है सर, थैंक यू, और ऐसे ही अपना हमारे चैनल के लिए प्यार देते रहिए, जय वीरू ब्लॉग्स देखते रहिए। थैंक यू फॉर रिव्यू। भुजिया बनाने की मशीन, इसके प्राइस की तो बात हमने करी नहीं, इसका प्राइस क्या है, और अगर कोई हमारे चैनल से आता है तो उसको कोई खास डिस्काउंट दिया जाएगा सर? बिल्कुल सर, आप जैसे आप जय वीरू ब्लॉग से आते हैं उनको बहुत बढ़िया डिस्काउंट दिया जाएगा, जो आप वो सोच नहीं सकते उससे बढ़िया डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे हमारे पास देखिए मशीन जो है ना, हमने एक वैरायटी बना रखा है, एक लेवल से बना रखा है कि छोटे एक मॉडल नंबर एक से हमारे पास 10 मॉडल तक होता है, क्योंकि मशीन तो छोटा नहीं है, फुल्लू ऑटोमेटिक भी आते हैं, मैनुअल भी आते हैं, हर तरीके के साथ ये मशीन है। तो मेरे पास जो चालू है वो 2 लाख से प्लांट चालू है नमकीन का। 2 लाख रुपए से आपके यहाँ जो है भुजिया बनाने का प्लांट स्टार्ट हो जाता है? बिल्कुल सर, 2 लाख से लगा के आप भुजिया मशीन आराम से चालू कर सकते हैं। उसके अंदर अलग क्वालिटी, जैसे किसी को पैकिंग मशीन फुल ऑटोमेटिक चाहिए, किसी को क्या करना है, एक एक किलो की पैकिंग करना, तो कस्टमर का अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं, इसलिए 2 लाख से हमारे पास चालू है आपका प्लान। ठीक है सर, तो आपको विजिट करने के लिए टाइमिंग्स बता दीजिए। सर तो हमारी ऑफिस की टाइमिंग जो है सुबह 9 बजे से 6 बजे तक ही है। ठीक है, ये आपका एड्रेस थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स सर, हमारी जो एड्रेस है गाजियाबाद में, हमारा ऑफिस है हिंडन रिवर मेट्रो के पास, थोड़ा सा आगे आएंगे वहाँ पे पड़ेगा नंदग्राम गौशाला, गौशाला बिल्कुल पास्ट में ही हमारा है, पास में ही है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको विजिट करना तो आप जरूर कॉल करें हमारे कंपनी में, और बहुत सारे शेयर भी रहता कि आपको सामने वाला भी किसी और का भी मदद हो सकता है आपके द्वारा।